गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट फिफ्थ में अपन ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कार्बन। ओके, टू टाइप्स कार्बन अपन ने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड विद द नंबर ऑफ अनदर कार्बन एटम। तो ये कार्बन एटम जो है वो दूसरे कितने कार्बन एटम से अटैच है उससे अपन डिस्कस कर दिया, और एक पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप से डिस्कस कर दिया। अभी अपन आज जो डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। Presentation of organic compounds. And organic compounds can be represented by the following four ways. तो चार types से अपन किसी भी organic compound को represent कर सकते हैं। अब चार types के कौन से हैं आप लोग mind में रखना। Number first, dot structure. Number first कौन सा है? डॉट स्ट्रक्चर। सेकेंड है कंप्लीट स्ट्रक्चर। सेकेंड कौन सा है? कंप्लीट स्ट्रक्चर। एंड थर्ड इज अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। एंड फोर्थ इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, तो प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फोर वे। फर्स्ट इज अ डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर। सेकेंड इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। एंड थर्ड इज अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। And last, fourth is a bond line structure. Okay, so an organic compound, okay, can be represented by the following four way: dot structure, complete structure, condensed structure, and bond line structure. डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इन डॉट स्ट्रक्चर, कंप्लीट, कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को क्लियर करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और वो है कोवेलेंट बॉन्ड। एक्चुअली अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड जो बनता है, एक बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वन बॉन्ड। और जो ये शेयरिंग करके जो बॉन्ड जो बनता है उस बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कार्बन देखें आप लोग, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी क्लियर किया कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कार्बन है, अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपन ने क्या देखा था? 1s2, 2s2, 2p2। अब यहां पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इन चारों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया अपन ने? कार्बन का सिंबल लिखकर उसमें डॉट के फॉर्म में उसको शो कर दिया। तो ये आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको मैंने डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या होता है? डॉट स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये डॉट स्ट्रक्चर है। अब मैंने क्या कर दिया? कोई दूसरा कार्बन एटम दे दिया। ओके, अब इसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का, दोनों ने क्या कर दिया? इक्वल शेयरिंग कर दी। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी। अब एक एक इलेक्ट्रॉन से जो ये जो बॉन्ड जो बना है, ठीक है, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इक्वल शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन जो बनता है वो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो पहला जो बॉन्ड जो बनता है, फर्स्ट बॉन्ड जो बनता है, इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड, दो एटम के बीच में मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड एक ही हो सकता है। फर्स्ट बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा है, और मैक्सिमम जो है वो एक ही सिग्मा बनेगा। इसके बाद के जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। एक अलग से अपन टॉपिक सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का अपन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सिग्मा कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, कैसे साइडवे ओवरलैप होता है, कैसे एक्सियल ओवरलैप होता है,
उसको अलग से डिस्कस करेंगे, बट आपको तो अभी इस डॉट कंप्लीट कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए अपन क्या समझ रहे हैं, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड के लिए अपन ने क्लियर किया कि जब इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, बात समझ में आ गई। एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए अपने को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द 1 कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। इसके बाद में जितने, जैसे कार्बन कार्बन है, ठीक है, अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। अब कार्बन की वैलेंस ही सेटिस्फाई कर दे, अब ये क्या है, सिग्मा है। अब ये वैलेंस मैंने सेटिस्फाई कर दी, तो ये एक तो सिग्मा तो हो गई, दूसरा कौन सा है, पाई बॉन्ड होता है। अब यहां पे एक तो सिग्मा 100%, दो क्या है, पाई। तो मैक्सिमम एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी जितने भी बॉन्ड फॉर्म होंगे वो कौन से बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। ये क्लियर है आपके। अब स्ट्रक्चर अपन स्टार्ट करते हैं, डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डॉट स्ट्रक्चर। अब डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट। जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अपने पास एक एग्जांपल हो गया, डॉट स्ट्रक्चर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल अपने पास मीथेन CH4, ठीक है, कार्बन एटम है, कार्बन एटम से कितना हाइड्रोजन अटैच है, 4 हाइड्रोजन। अब देख लो ये कार्बन है, ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, डॉट के फॉर्म में शो कर दिया। अब अपने पास कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s1। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन और इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये हाइड्रोजन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन, इसका भी क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन से जो शेयरिंग हुई है एक एक इलेक्ट्रॉन की, ये क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड क्या बन गया, कोवेलेंट। ये भी क्या है, कोवेलेंट। ये भी क्या है, कोवेलेंट। और ये भी क्या है, कोवेलेंट। ये बॉन्ड कौन सा, सिग्मा। ये भी कौन सा, सिग्मा। ये भी सिग्मा, और ये भी क्या है, सिग्मा। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर जो शो होते हैं, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, सबसे पहले जो ये बताया था वो बताया था लेवाइस ने, सो दैट डॉट स्ट्रक्चर आर आल्सो नोन एज लेवाइस स्ट्रक्चर। तो इनको लेवाइस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर आर आल्सो नोन एज लेवाइस स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, कंप्लीट स्ट्रक्चर। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड आर रिप्रेजेंट एज डैश। इसमें क्या करते हैं, जितने भी आप कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं उन कोवेलेंट बॉन्ड को डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अपने पास क्या है, CH4, ठीक है। अब ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी कोवेलेंट, ये भी कोवेलेंट, और ये भी क्या है, कोवेलेंट। तो अपने को पता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, 1 बनेगा। तो मैंने क्या कर दिया, ये कार्बन और हाइड्रोजन हो गए, और मैंने यहां पे क्या कर दिया, ये, ठीक है। तो ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंट, कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट में क्या होता है, ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंट एज डैश। तो किसी भी फॉर्मूले में जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है उसको क्या करना है, डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट अपने को करना है। सो दैट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर ऑल्सो नॉन डैश स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो इनको डैश स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ये डैश स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, डैश स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3 CH2 CH3। अब आपके सामने ये फॉर्मूला आ गया, ओके, और इसको आपको बोल दिया जाए कि इसको कन्वर्ट करें डॉट स्ट्रक्चर में, या फिर बोल दिया जाए कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या होगा कि ये कार्बन है, अब कार्बन से कनेक्ट कौन है, कार्बन, और यहां पे कौन है, 3 हाइड्रोजन। मैंने क्या कर दिया, इसके जितने भी बॉन्ड बन रहे थे उन सभी बॉन्ड को मैंने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो ये इस फॉर्मूले का ये क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर मैं क्या करता कि यहां पे सभी कोवेलेंट बॉन्ड को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता, डॉट स्ट्रक्चर बन जाता, लेविस स्ट्रक्चर बन जाता। ये मैंने यहां पे क्या कर दिया, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या बन गया, डॉट स्ट्रक्चर। ओके,
तो ये आपकी क्लियर है डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कंप्लीट स्ट्रक्चर, जैसे बेंजीन बोल दिया जाए आपको, बेंजीन एक एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन, बेंजीन क्या होता है C6H6 जिसको अपन ऐसे भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेंजीन। अब बेंजीन के बारे में आपको बोल दिया जाए कि इसका आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो ये इसका बेंजीन का क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका डॉट स्ट्रक्चर, इसके कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा उसको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसको डैश के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉट शोन क्लियरली। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे वो क्लियरली अपने को दिखाई नहीं देंगे। जैसे मैंने आपको देखो ये फॉर्मूला दिया, अब इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड तो है बट दिखाई नहीं दे रहे। और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने क्या कर दिया CH4 हो गया। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तो है बट वो क्लियरली अपने को दिखाई नहीं दे रहे। और ले लो CH3CL, ठीक है। अब इसके अंदर भी अपने को कोवेलेंट बॉन्ड है बट सभी क्लियरली शो नहीं हो रहे हैं। और ले लो, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3CH CL CH3। ओके, इन द कंडेंस स्ट्रक्चर ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉट शोन क्लियरली। इसके अंदर जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे वो अपने को क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। तो ये हो गया अपना कंडेंस स्ट्रक्चर। जैसे आपको बोल दिया जाए ये कैसा है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब कंप्लीट स्ट्रक्चर बेंजीन का ही कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसका आपको कंडेंस स्ट्रक्चर बताने के लिए कहे, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इसको C6H6 फॉर्म में लिया है, तो ये इसका क्या हो गया कंडेंस स्ट्रक्चर। इसके अंदर अपने को कोई भी बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आपको बोल दिया ये मिथेन है, ठीक है, ये मिथेन का क्या हो गया डॉट स्ट्रक्चर, ये मिथेन का क्या हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब आपको बोल दिया जाए कि मिथेन का कंडेंस स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो गया मिथेन का कंडेंस स्ट्रक्चर, ये मिथेन का क्या हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गया। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो भी बॉन्ड जो होंगे कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे वो अपने को दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट शोन, ठीक है, बट कार्बन चेन रिप्रेजेंट बाय द जिगजैग लाइन। ओके, क्लियर करें, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट शो, ठीक है, नॉट शोन, बट कार्बन चेन रिप्रेजेंट बाय द जिगजैग लाइन। कार्बन चेन को क्या करना है, जिगजैग लाइन से शो करना है। एंड एवरी फोल्ड एंड टर्मिनल पोजिशन रिप्रेजेंट द कार्बन। तो जितने भी फोल्ड जो होते हैं, ये जितने भी फोल्ड है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये टर्मिनल जो है ये भी क्या करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये सभी कार्बन है। तो अपने को क्या करना है कि जो भी कार्बन की चेन जो होगी, ठीक है, इसमें अपने को कार्बन की चेन में कार्बन और हाइड्रोजन कुछ भी नजर नहीं आएगा, बट कार्बन की चेन जो होगी वो जिगजैग मोशन में होगी, जिगजैग लाइन में होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, प्रोपेन CH3CH2CH3, ठीक है, ये आपके सामने एक कंपाउंड है CH3CH2CH3CH3CH2CH3। अब इसका क्या करना है, अब ये तो क्या हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया कंडेंस्ड हो गया, ये इसका क्या हो गया लेविस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये कंडेंस्ड है और ये क्या हो गया लेविस। अब अपने को बोल दिया जाए कि इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर करना है, तो ये क्या हो गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है। अब ये फोल्ड जो है ये भी क्या है कार्बन है, ये भी क्या है कार्बन है, ये भी क्या है कार्बन। बस आपका जो है कॉमन सेंस यहां पे यूज करना है, ठीक है, ये सभी क्या है कार्बन, ये क्या है कार्बन है। अगर आपको चार कार्बन का जैसे ब्यूटेन बनाने के लिए कहे, अगर ब्यूटेन के लिए कहे, तो ये क्या हो जाएगा
ब्यूटेन हो जाएगा, 1, 2, 3 and 4। ओके, अब आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड को भी शो कर सकते हो। कैसे शो करना है? अगर आपके सामने प्रोपीन हो जाए, जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अब आपके सामने क्या आ गया, प्रोपीन आ गया। अब इसका अपने को क्या करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर करना है, तो कुछ नहीं करना है। यहां पे आप क्या कर दोगे, तो ये किसको शो कर रहे हैं, यहां पे ये डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां पे ये क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड। ऐसे भी आपको अगर ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये फोल्ड जो है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहां कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन से अटैच है, फिर सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से अटैच है, फिर सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से अटैच है। तो इस तरह से जो प्रेजेंटेशन जो होता है वो प्रेजेंटेशन कौन सा होगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर हो गया सब मैटर। अब वापिस एक बार देख लें ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग 4 टाइप्स। नंबर 1, डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर आर ऑल्सो नोन एज लेवाइस स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट, डॉट से रिप्रेजेंट होगा। कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर शोन बाय द डैश, डैश से शो होगा, सो दैट ऑल्सो नोन एज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज डैश स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बॉन्ड जो होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, वो क्लियरली शो नहीं होते हैं, ठीक है, शो नहीं होते हैं, वो हिडन होते हैं, ठीक है। जैसे अपने मोबाइल में कई बार हिडन फाइल्स अपन रखते हैं, वैसे हिडन होता है, वैसे ये कंडेंस में क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हिडन होते हैं, अपने को वैलेंसी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करके अपने को क्लियर करना होता है। लास्ट हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिखाई नहीं देगा, बस कार्बन की चेन जो है वो जिगजैग लाइन में रिप्रेजेंट होगी, और जो भी फोल्ड और ये इंटरशेक जो आ रहा है, टर्मिनल जो आ रहा है, ये सभी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर आ सकता है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को कंडेंस में कन्वर्ट करो, डॉट को कंप्लीट में कन्वर्ट करो, कंप्लीट को बॉन्ड लाइन में, स्ट्रक्चर को बॉन्ड को कंडेंस में, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सर।